मुझे समझ भी नहीं आता है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ती कब होगी। मुझे इतना मन करता है ना जाने को, इतना मन करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाय, वेलकम टू ट्रैवल एक्सप्रेस विद मस्तानी मुसाफिर। आई एम तुली खान एंड टुडे आई एम इन इंडिया, बट थोड़े से पाकिस्तान से दूर हूँ मैं। यू कैन सी दीज फेंसेस, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, लाइक वाघा बॉर्डर। यहाँ पर राजस्थान में भी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बॉलियान। आपने तनोट माता मंदिर सुना है ना, दैट इज तनोट माता मंदिर से 20 किलोमीटर दूर है दिस प्लेस। इट्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो राजस्थान में है, और अभी इसे जस्ट लाइक वाघा बॉर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर हम सब देखने के लिए आएंगे। यहाँ पर ये है आपका फेंस, जो उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होता है, लेकिन आपको एक नजर देखने को मिल जाता है तो बहुत खुशी मिल जाती है। सो बात करते हैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, व्हाट द प्लेस इज ऑल अबाउट। सो द प्लेस इज बॉलियान, इट्स समवेयर अराउंड 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम जैसलमेर। तनोट माता मंदिर से 20 किलोमीटर आगे है। यहाँ देखने में कुछ बहुत ज्यादा जगह नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। यहाँ आप जरूर आए, यहाँ आने के लिए यू नीड टू हैव अ स्पेशल परमिशन जो आपको BSF ऑफिस से लेनी होती है, एंड लकीली वो मुझे मिल चुका था। तो बस मैं यहाँ पर आ गई। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप सुबह आ सकते हो करीबन 10 बजे से टिल इवनिंग बाय 6, 6 बजे आपको वापस चले जाना होता है। और ये जो भी फेंस है ना, इसे अभी आप टच कर सकते हो, जैसे मैं टच कर रही हूँ, है ना। लेकिन शाम 6 बजे के बाद एक तो यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, एंड यू कैन नॉट टच दीज फेंसेस, क्योंकि इसमें करंट आती है और आपका राम नाम सत्य बस यहीं पर हो जाना है। और क्या बताऊं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। यू प्लीज वॉच दिस एंटायर वीडियो, भर भर कर इन्फॉर्मेशन रखी हुई हूँ। अगर वीडियो पसंद आ जाए प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब इट मोटिवेट्स मी। और प्लीज पूरी वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ दिखाऊंगी आपको। तो आपको वो बॉर्डर एरिया जाने के लिए यू नीड टू हैव अ पास, और वो पास कुछ इस टाइप का होता है। और जब आप आगे की ओर जाएंगे यू नीड टू सबमिट दिस कार्ड हियर, यहाँ पर ये जो लव लेटर है, फिर उसके बाद गाड़ी आपकी आगे जाएगी, आप भी आगे जाएंगे और फिर आप बॉर्डर एरिया जाएंगे। ये देखो, स्माइल भी नहीं करे, ले लिए। तो पास वहां पर सबमिट करा दिया मैंने। अब यहां से हमें 18 किलोमीटर और दूर जाना है, मतलब कि तनोट माता मंदिर से बॉर्डर एरिया इज 20 किलोमीटर दूर। फिर वहां पर देखेंगे पाकिस्तान को। जब आप उस पास को लेकर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है, चेक पोस्ट काइंड ऑफ थिंग है, और इट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर यहाँ पर आपकी गाड़ी चेकिंग होती है, आपको देखा जाता है, चेक किया जाता है। फिर आप यहाँ से और आगे की ओर, उधर की ओर जाओगे, आगे 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 आगे, मैं आपको दिखाऊंगी। बात बताऊं आपको, आप ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जरूर जाना, क्योंकि जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही कमाल के हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं है, हकीकत देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी गाड़ी आ जाती है तो रास्ते में कुछ भी नहीं है, अकेला ऊंट एक चल रहा होगा। तो जब भी मुझे ऐसे नज़ारे आ रहे हो, जब भी मैं फोटो लेना चाह रही हूँ ना, तो वो ऊंट गायब हो जा रहा है। आप जरूर आना। वैसे मुझे तो इसी बात से बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान देखने जा रही हूँ, मतलब कि बॉर्डर से ही। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
जब मैं यहाँ पर बॉर्डर एरिया आई हूँ तो यहाँ पर मुझे सर मिले और मैं इनसे रिक्वेस्ट की हूँ कि मैं आपसे बातें करूँगी एंड ही गॉट रेडी। आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आप लोग आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, ये यूपी से, और फिर आप घर कब जाते हैं? अरे ये समय समय पर 3 महीने के बाद 2-3 महीने में चक्कर अच्छा। हो जाता है। और यहाँ तो बहुत गर्मी होती होगी? यहाँ ये अभी तो नॉर्मल गर्मी है, जब आप मई जून में यहाँ आएंगे तो 53-54 तक टेम्परेचर यहाँ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं उस समय? उस समय हालातों से हम लोगों को जीना सिखाया गया है, हम उन हालातों को अच्छी तरह परखते हैं और जानते हैं, हम अच्छी तरह से रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ आए ना, यहाँ पर इतने सारे क्राउड दिख रहे हैं, मतलब बहुत लोग हैं यहाँ पर, इंडियंस भी हैं, आप भी हैं, है ना, बहुत सारे आर्मी वाले, लेकिन पाकिस्तान वाले साइड में क्यों नहीं है वहाँ पर? इतना उनको जरूरत नहीं है। अच्छा। वो जो हमारा ये मेन उद्देश्य हमारा बॉर्डर की निगरानी करना, हमारे बॉर्डर गार्ड करना, वो BSF को अहम जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो उस साइड होंगे? नहीं, उस साइड हो सकते भी हैं, अभी अच्छा। तो आप सामने देख रही हैं, अभी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई तो आप लोग बताए ना कि कभी कभी वो लोग भी आते हैं, तो आप लोग अक्सर बात करते हैं? अक्सर नहीं होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब हमारे ऊपर लेवल से कोई मीटिंग का बोला जाता है तो हम उस समय मीटिंग करते हैं, उन लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं। अच्छा, और जब हालात सही नहीं रहते हैं और अगर वो लोग हैं इधर तो आप लोग में कैसी बातें होती है? नॉर्मल नहीं, हालात ठीक नहीं होते हैं तब ये आदान प्रदान और ये फ्लैग मीटिंग वगैरह नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। नहीं, और तो बस ये पूछ रही हूँ, और ये फैंस तुम लोग मतलब ये कब शाम को नहीं छूने का? ये फैंस है, ये राजस्थान के साथ सीमा इसकी लगती है 1037 किलोमीटर, यानी कि ये फैंस जो है इट्स 1037 किलोमीटर। ये शहम जो यहाँ दिखाई दे रही है पूरे राजस्थान बंद 0.37 किलोमीटर ऐसी ही दिखाई देगी। अच्छा। पूरा BSF पूरी 6500 किलोमीटर 6500 किलोमीटर पर तैनात है बॉर्डर पर। 6000 किलोमीटर तक, 6500 तक पूरी BSF की आर्मीज आपको मिलेंगी, और ये जो फैंस है जो क्रॉस करने का मन करता है वो 1037 किलोमीटर तक ये है, अगर क्रॉस करना तो आना, हम दोनों साथ में चलेंगे। वहां जाना है, ये जो भी फेंसिंग है ना, ये वाली फेंसिंग, ये पूरी इंडिया की है। आप बॉर्डर मूवी में भी देखे होंगे, देयर इज अ समवेयर देयर इज अ प्लेस जहाँ पर वो 609 है, वो यहीं पर उसकी शूटिंग भी हुई थी। और चलो आपको और भी चीजें दिखाती हूँ। दरवाजा है, मुझे जाना है, आप चलोगे मेरे साथ? ये और जब इनके टर्म्स अच्छे होते हैं, जब कुछ फ्लैग होस्टिंग होती है, देन ओनली दे ओपन दिस गेट। और बस कुछ नहीं, ऐसे ही देख लो, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 609 वो है ना, वहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह हैं, वो जो ग्रीन कलर है, तो एक में जैसे 2 या 3 आर्मीज रहते हैं, इस तरीके से बहुत दूर 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 पर है, लेकिन मुझे पाकिस्तान साइड नहीं दिखा। मतलब यहाँ से मेरी नजर जितनी भी दूर जा रही है ना, कितना भी दूर, इस तरीके के मचान सॉर्ट ऑफ बने हुए हैं जहाँ पर आर्मीज रहते हैं, और शाम में 6 बजे के बाद इनकी पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इन सब में फेंस में तो करंट रहता है जहाँ पर आप जा नहीं सकते। यहाँ पे क्रॉस तो नहीं करना है, लेकिन मैं हर वो चीज करना चाहती हूँ जो रूल के खिलाफ होता है, तो मैं ये भी क्रॉस कर रही हूँ। ये बॉर्डर नहीं है लेकिन फिर भी ये BSF का एरिया है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि दिस प्लेस इज समवेयर अराउंड 140 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जैसलमेर, तो बहुत टाइम लगता है
अगर आप कहीं भी नहीं रुकेंगे, आप सीधे जैसलमेर से आएंगे, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 2.5 hours. बट आई एम श्योर जब आएंगे आप तनोट माता, लौंगे वाला, कूल धारा, ये सारे जगह रुक कर आएंगे, तो आपको यहाँ आने के लिए आप मान कर चलो कि 3 घंटे आपको फॉर श्योर लगने. इसलिए आप जल्दी आना, क्योंकि 6 बजे के बाद अलाउड नहीं होता है. इट मीन्स कि 6 बजे आपको ये जगह खाली कर देना है. तो आप मान कर चलिए कि आप 2 से 3 बजे तक आप यहाँ पर आ जाए, सो दैट यू कैन हैव एटलीस्ट हाफ एन आवर. ये पूरा पीछे ये पूरा बॉर्डर ही एरिया है जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ. अगर देखने के लिए देखी जाए तो बहुत कुछ है. कभी आपने फेंसिंग देखी है बॉर्डर पर? नहीं देखी है ना, तो इट वॉज समथिंग वेरी यूनिक टू मी. वो बजरंगी भाईजान वाली फीलिंग आ रही थी. तो बस ऑल आई कैन से इज आई एम सुपर डुपर वाली हैप्पी, क्योंकि आई गॉट टू सी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. और मैं क्या बताऊँ, एक दिन तो मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊँगी. देखना आप, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे लाहौर जाना है. बच्चों के लिए यहाँ पर ज़रूर बना हुआ है ये, यहाँ पर छोटा सा म्यूजियम पार्क सॉर्ट ऑफ, जहाँ पर थोड़ा सा वो खेल सकते हैं, झूला झूल सकते हैं. यही है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं. अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखे हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग.